हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं धीरेन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज सीरीज रीजनिंग के टॉपिक सीरीज के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं कि एग्जामिनेशंस में अगर आप SSC UPSSC या रेलवे या ऐसे एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक सीरीज के क्वेश्चन वहां दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक सीरीज के बारे में तो सीरीजेस की थोड़ा परिचय जान लेते हैं। उसके पहले भी अगर आप देख चुके होंगे तो मैंने सीरीज के बारे में और भी वीडियो दिए हैं आपको, उसके बारे में और भी स्टडी आप कर सकते हैं। मैंने बेसिक के बारे में बात की, हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर सीरीजेस में। जो सीरीजेस होती है थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। सीरीजेस मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक नंबर सीरीज की बात होती है जब संख्याओं की हम बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। दूसरा या तो नंबर्स की सीरीज बनाई जाए या दूसरा हम अल्फाबेट्स की बात करें। अल्फाबेट्स मतलब ए से जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं उनके प्लस वैल्यू उनके अपोजिट्स के बारे में इसमें सीरीज बनाई जाए। और अगली जो टाइप की सीरीज है वो कंटिन्यूअस टाइप की सीरीज होगी जहां पर कुछ स्पेसिंग दी जाती है और उनमें भरना होता है, आपको फिल करना होता है कि कौन सा ऑप्शन एक राइट ऑप्शन होगा। नंबर के बारे में जैसा कि हम लोग बात कर लें, नंबर में भी दो टाइप की सीरीज होती है। एक क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज और दूसरी होती है रॉन्ग स्टेप सीरीज, मतलब कोई भी स्टेप गलत दिया हुआ है उसके बारे में फाइंड आउट करें। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन रॉन्ग स्टेप सीरीज के बारे में। अक्सर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सीरीज कौन सी होती है, रॉन्ग स्टेप सीरीज कौन कौन सी होती है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्या तरीके होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपना अच्छा कमेंट करें, अपनी चीजें हमसे शेयर करें। अगर आप कुछ भी नया जानना चाहते हैं या इस टॉपिक में और चीजें अगर आप सीखनी है तो आप हमें बताएं अपने कमेंट के माध्यम से। एक पढ़ा लिखा कमेंट हमेशा करें, अच्छे से अपनी चीजों को राय रखें। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे सीरीज के टॉपिक रॉन्ग स्टेप सीरीज के बारे में। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है, कि कैसे जानते हैं कि कौन सा स्टेप गलत होगा, मतलब ये फाइंड आउट करना कि कौन सा स्टेप गलत होगा। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हमने लिख लिया है, कोई भी कंपोनेंट हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने ये सीरीज लिख लिया। अब इसको बताना है कि कोई भी एक गलत है, तो जैसे हमें यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर आ जाते हैं। अब सबसे पहले पहचानिए सीरीज का पहला स्टेप कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सीरीज की शुरुआत ही गलत कर दी जाए तो शायद आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि पहला गलत है या दूसरा गलत है। देखिए पहला तो कोई चांस नहीं होते हैं कि वो गलत होगा, दूसरा भी मैक्सिमम चांस में सही होता है, मतलब उसके चांसेस कम होते हैं, मतलब जो ऑप्शन मिलता है उसके जो प्रोबेबिलिटी होती है 3-4, मतलब जो ये पॉइंट्स हैं आपके सीरीज के बनने के, जो सेकंड स्टेप के बाद के चांसेस ज्यादा यहाँ रहते हैं पहले दूसरे में। क्यों? अगर कोई सीरीज बनाया जाएगा तो भाई एटलीस्ट आप हमें कम से कम इतना तो बताओ उसको हम कैसे सॉल्व करें, कुछ इंडिकेशंस तो दो, कुछ तरीके तो बताइए, क्योंकि एग्जामिनेशन है। या तो है नहीं कि हम घर पर बैठे रिसर्च कर रहे हैं, चलो हम देख लेंगे अभी 10 मिनट में कर लेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि दिए गए समय में आपको बात करनी है, दिए गए जो आपको 30 सेकंड मिलते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रीजनिंग का करने के लिए, उतनी देर में आपको पूरी बात कहनी होती है, बात समझना होता है, कैलकुलेशन भी करने होते हैं और आपको आंसर निकालना होता है। चलिए हम लोग स्टडी करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। मैं अपनी बात रखता हूँ आपके सामने कि कैसे उनको समझेंगे, कैसे करेंगे, जिससे कि चीजें और क्लियर हो सके और अच्छे से हम इनके बारे में आपसे बात करें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर, जैसे मैं क्वेश्चन बात करते हैं आपसे, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन सब लिखते जाते हैं, आप देखिए जरा, आप भी नोट कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसलिए हम बहुत तेजी से बात नहीं करते हैं। जैसे लिखा जाए 69, 55, 26, फिर 13, नेक्स्ट नंबर है आपका ये 5, आपको बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन या कौन सा पार्ट गलत है। देखिए मेरी बात समझिए, जैसा मैं अभी आपसे कहा यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। जैसे इसके अगर मैं ऑप्शन बना दूं आपसे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 55, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 26, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 13 और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने जिसको 56। अब देखिए कुछ ऑप्शन की डिजाइनिंग हमने इस प्रकार से की, मतलब ये हमारे विकल्प हो गए। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए अगर सिंपली डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक विषय की जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ,
इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि जिस विषय में जो चीज पढ़ी जा रही है उसके लक्षण उसके तरीके वहां पर हमेशा दिखाई देंगे। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जब कोई चीज मैथ की है, जैसे नंबर ये समझ भाई प्रॉपर्टी इसकी है मैथ वालों की, अब इस्तेमाल जब हम करते हैं जाहिर सी बात तरीके थोड़ा सा बदलेंगे, अब उनके भी हो सकते हैं और हमारे भी बदलेंगे। जैसे जब आप किसी घर में किराए से रहते हैं, कभी हॉस्टल में रहते हैं, तो आप उस बिल्डिंग को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह की आप अपने घर के कमरे को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशंस लगी रहती हैं। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी, क्योंकि जब ये सीरीज है नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर जो संपत्ति है वो मैथ की है, जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर कुछ नियम कानून लागू रहेंगे, हम उसको रीजनिंग के तरीके से करेंगे। चलिए देखिए कैसे बनाया गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, आप शायद आप लोग भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, देखिए क्या आंसर आ रहा है। अगर 6 और 9, अब यहाँ पर सीधे डिफरेंस नहीं लिखा गया है, 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6 × 9, इन दो जो नंबर है 69, इसके दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 54, फिर उसमें क्या किया गया है प्लस 1, एक और जोड़ा गया है तो आ जाएगा 55। इस तरीके से बनाया गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाया गया, तो 5 × 5 हो गया 25 + 1 = 26। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो क्या बन जाएगा 2 × 6 + 1, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। ऐसे ही अगली संख्या चलते हैं तो 1 × 3 हो जाएगा 3 + 1 = कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखा कितना है 5, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो आपका डी ऑप्शन हमने नोट कराया था वो आपके राइट आंसर होगा। सर समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सीरीज, अब यहाँ सीरीज के जो बेसिक लक्षण है वो अभी वही रहेंगे। अगर कोई सीरीज मान लीजिए तेजी से बढ़ता हुआ नजर आए, नंबर्स की बात को तेजी से बढ़ता नजर आए, तो भाई जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने पहला सीरीज 1 सीरीज 2 में भी दो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, पहले भी किए जा चुके हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। वहाँ पर बेसिक के बारे में डिटेल से बात की गई है, आप बेसिक चीजें वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और टॉपिक जिससे कि और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप उसके सोल्यूशन निकालें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो हमने बताया था लॉजिकल मैथड कि लॉजिकल तरीके से जिससे रीजनिंग है मैथड थोड़ा सा बदलाव हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया 3, 8, 15, 24, 34, 48 and 63, हमें लिखा है यहाँ पर एक सीरीज 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा गलत है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि जानते हैं कैसे गलत होगा। 3 और 8 इसका अंतर कितना हो गया 5, 8 और 7 इसका अंतर कितना हो गया 7, फिर इसका अंतर कितना आएगा भाई 15 और 24, 9 का अंतर आएगा। तो उसी क्रम में यहाँ पर भाई देखिए अगर ये 5 है 7 है 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये +11, तो जब +11 करोगे तो 24 + 11 हो जाएगा ये 35। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जब कोई लॉन्ग स्टेप कोई नंबर आपको मिल जाता है मतलब करेक्शन मिल जाता है तो उससे आप क्या करेंगे, आप उसको अगला बना करके देखिएगा जरूर, क्यों बहुत भरोसा मत करिएगा कि ये सही है। अगर अगला सही आ जाए नंबर तब वो सही है, मतलब अगर इसमें हम +13 जोड़े तो 5 और 3 8 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, 48 मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर ये है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं आपको चीजें कि कैसे वो बनेगी, कैसे क्या होगा, क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे आप लोग। जैसे अगला क्वेश्चन भाई आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे लिखा जाए 16, 22, 30, 45, 52, 66। अब देखो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है, एक धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्लस होगा। क्योंकि अगर ये बदलाव जैसे यहाँ 16 है, यहाँ मान लीजिए कोई 6000 7000 का नंबर आ जाता तो ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए यहाँ पर क्या किया गया है 16 से 22 मतलब प्लस का 6 किया गया, फिर 22 से 30 मतलब प्लस का कितना किया गया 8 किया गया। अगले स्टेप में चलते हैं, अब देखो ये तो 15 नजर आ रहा है यहाँ पर, आगे चलते हैं 42 से, चलो भाई आगे करके देख लेते हैं, तो 52 से 66 अगर करोगे तो आपको ये डिफरेंस आ रहा है कितने का, आपका कितना डिफरेंस है ये 14 का। आप मेरी बात समझिए जरा, करते कैसे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कभी कभी उलझ जाता है क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब देखो एक काम वहां पर कर सकते हैं आप,
कि पहले दो स्टेप का डिफरेंस निकाल लीजिए, लास्ट के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वमान्य तरीका है वैसे ही होगा, एक प्रोबेबिलिटीज है, एक रीजनिंग की प्रोबेबिलिटी है, बाय रीजन है। जैसे देखिए इसका अंतर 6 का है, इसका अंतर 14 का है, टोटल स्टेप कितने हुए, 1 2 3 4 और ये पांचवा है, तो अगर ये 6 है तो ये 8 है, तो ये हो सकता 10 हो और ये 12 हो तो ये 14 नहीं हो जाएगा। मतलब 6 से लेकर के 14 तक पहुंचने में अगर हम इवन नंबर्स का एक सीरीज बना लें तो ऐसा बनेगा। अगर ये 10 है तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, 40। अब चलो भाई ऐड करते हैं कि 40 और 12 कितना होता है, 52। इसलिए हम कह सकते हैं कि 45 की जगह पर जो आपका सही नंबर रिप्लेस करेगा वो आपका होगा 40। चलिए बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन में, अगले तरीका और अपना तरीका बताते हैं आपको कि और चलिए जितने अगर क्वेश्चन कर लेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बार एग्जामिनेशन में जब देखिए अवसर भी जाएंगे, जब एग्जाम देने जाइए तो आप कुछ प्रैक्टिकल करके जाइए कि क्या कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं और कैसे हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा विचार करके जाइए। जैसे लिखा जाए 3 4 9 33 136 685। अब जरा ध्यान देने वाला है 685। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग नंबर सीरीज, जैसे देखिए पिछला क्वेश्चन उस क्वेश्चन में काफी परिवर्तन है। पिछला देखिए 16 से शुरू हुआ 66 तक गया, एक बड़े नंबर से शुरू होकर के बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप प्लस करें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ 3 है, ये 685 है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा चेंज। अगर एक बड़ा चेंज है तो जाहिर सी बात क्या होगा, एक मल्टीप्लाई होगा, हम मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को लिखा देंगे। तो 3 से 4 कैसे बन सकता है, हम कह सकते हैं (into 1+1), फिर 4 से 9 हम कह सकते हैं (into 2+1), अगला फिर 9 से आगे 33 पर जाते हैं तो इसको भाई अगर इसी ऑर्डर में जाए तो ये हो जाएगा (into 3+1), तो 9 का (into 3) हो जाएगा 27+1=28। हो सकता है कि नंबर गलत हो, लेकिन 28 से अगला नंबर बनाए तो हो जाएगा (into 4+1), तो 28 का (into 4) जरा कैलकुलेट कर लीजिए भाई, तो देखिए 136 भी नहीं आ रहा है। अब एक सीरीज में दो तो गलत हो नहीं सकते, ये भी भाई यही बात है, ऐसा तो है नहीं कि 33 भी गलत हो जाए 136 भी गलत हो जाए। इसका मतलब हमें अपने लॉजिक में सुधार करने की जरूरत है। मैं बताना आपको ये चाहता था कि अगर मान लीजिए आप इस तरह आसानी से सीरीज मिलता जाए, क्योंकि रॉन्ग स्टेप है, आपको अगला थोड़ी ना बताना है कि बताइए अगला क्या आएगा, आपको रॉन्ग स्टेप बताना है। जब रॉन्ग स्टेप बताना है तो जाहिर सी बात है आप इन भाई पहला सही मान सकते हैं, दूसरा सही मान सकते हैं, लेकिन आपका तीसरे स्टेप पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं कि वो सही ही होगा, उसकी भी तो प्रायोरिटी आपको बना के चलना होगा। जैसे यहाँ पर जब ये (into 1+1) था तो यहाँ पर ये (into 2+2) नहीं हो सकता भाई, हो सकता है क्योंकि रॉन्ग है भाई। मैंने आपसे कहा कि पहला सही होता है, दूसरा मैक्सिमम केस में सही होता है, चलो मान लिया हमने, लेकिन तीसरे पर इतना भरोसा क्यों। तो हो सकता है ये 9 की जगह 10 हो, 10 से फिर अगला बनाते हैं तो ये हो जाएगा (into 3+3), अगला बनेगा ये (into 4+4) और अगला बनेगा (into 5+5)। अब देखिए आपका आंसर जो है बन गया है, इसका मतलब जो रॉन्ग 33 ना होकर के कितना था, 9 था। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको कभी सीरीज में रॉन्ग स्टेप मिल जाए तो आप उसको अगले स्टेप में करके देखिएगा कि वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब अगला जो आपको बनाने जा रहा है तो उसमें बन भी रहा है कि नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं अगर कोई रॉन्ग की जगह से आप सही नंबर चूज कर रहे हैं तो उससे वो अगला स्टेप फिर बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि उसमें और क्या हो सकता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं और क्या तरीके होंगे आपके। अगले एग्जाम्पल से चलते हैं, देखिए इसे लिखा जाए आपका 2। अगर हम अगले एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या तरीके और हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या तरीके होंगे। जैसे लिखा जाए 2 14 91 546 3002 फिर 1501। देखिए ये भी एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हमने किया है, एक बड़ा चेंज लेकर के आए हैं। अगर ये बड़ा चेंज है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 से 15 0 15 इतना बड़ा नंबर नहीं निकाला जा सकता बिना मल्टीप्लाई के। चलिए हम लोग बनाते हैं अपनी प्रॉबर्टीज, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
देखने में बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो देखिए 2 से 14 अगर 2 से 14 बनाएंगे तो 7 नजर आ रहा है सीधे तौर पर। अब चलो भाई अगले स्टेप पे चलते हैं। 14 का 7 भाई अगर आप 7 करेंगे तो 14 का 7 हो जाता है 98, और अगर हम 6 कर ले रहे हैं तब भी वो कम हो जा रहा है। जरा ध्यान दीजिए आप लोग भाई, देखिए 6 करिए, अगर आप 7 करेंगे तो नंबर बढ़ जा रहा है, मतलब 91 नहीं आ रहा है, और अगर 6 करें तो क्या हो जा रहा है, अगर इसी को आप 6 करें तो नंबर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जब दोनों केस में अगर हम बात करें भाई, ये जा रहा है आपका 98, ये हो जा रहा है कितना आपका 84। अब देखिए दोनों केस में तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अब इंटू अगर 7 अगला करे तो 91 इंटू 7 तो फिर नहीं मिलेगा, अगर इंटू 6 करे तब भी ये नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर है 546 और 91 का और 90 मतलब अप्रोक्सीमेट आप इसको 100 मान सकते हैं, तो अगर 100 का लगभग 5 गुना ही लिखा हुआ है, तो अगर ये 5 गुना है इसका मतलब कुछ कम लॉजिक चल रहा होगा। अब हम देखते हैं कैसे बन सकता है। अब ये 14, अब ये इंटू 7 से बड़ा नंबर है, इंटू 6 से छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं इंटू 6.5। तो कैलकुलेशन पॉइंट में भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा कभी रिजिट मत रहिएगा कि कैलकुलेशन रिजिट पॉइंट में नहीं हो सकते कभी। तो अगले स्टेप पे आते हैं, 91 को आप इंटू 6 करें, देखिए नंबर मिल गया होगा आपको, इंटू 7 फिर इंटू 6.5, तो नेक्स्ट वन इज इंटू 5.5 और अगला क्या आएगा आपका इंटू 5। अब आप बताइए भाई कहां पर गलत है, लॉजिक तो हमने आपको बता दिया। अगर आप देखिए बिल्कुल सामान्य सा लॉजिक, देखने मात्र से कर्पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। देखिए अगर ये इंटू 5 है तो जैसे ही 3 का 15 हुआ है तो यहाँ 2 का 10 होता, फिर 2 का 9 होता, इसका मतलब ये 2 जो था वो गलत था, उसको क्या होना चाहिए 3, तभी वो अगले वाले को बैलेंस कर लेगा। इसका अर्थ है जो 3002 लिखा था वो 3003 है, ये आपका करेक्शन है, मतलब ये आपका रॉन्ग स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके, आप और अच्छे कैलकुलेशन कर सके। जैसे अगला क्वेश्चन अभी आप लोग भी नोट कर सकते हैं, जैसे लिखा जाए आपसे जैसे 2, 3, 10, 40, 172, 885, ये हमने आपको बताया है, और आपको बताना है इसमें से कि कौन सा स्टेप गलत है, मतलब फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेप इन द सीरीज, इस सीरीज में कौन सा स्टेप गलत आया है ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक बात तो कंफर्म है कि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 से इतना बड़ा नंबर बिना मल्टीप्लाई के तो नहीं बनाया जा सकता, इतना भी सेट भाई। चलिए जरा देखते हैं भाई कैसे बनाया गया। अब 2 से 3 हम कह सकते हैं इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि हमको बनाना कैसे मल्टीप्लाई करके, हम क्या कह सकते हैं इंटू 1 प्लस 1, और लेकिन हम अगर आगे जाते हैं तो हो जाएगा इंटू भाई 2 कर लेते हैं, इंटू 3 कर सकते हैं भाई, इंटू 1 प्लस 1 तो इंटू 3 प्लस 1 भाई ये कर सकते हैं, तो ऐसे ही ये इंटू 5 प्लस 1 करें तो इंटू 5 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 51, तो 51 का इंटू 7 तो ये है भी नहीं, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है भाई। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं और ज़्यादा समझते हैं कि और कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या करते हैं इंटू 1 प्लस 1, अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 के स्क्वायर की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। आगे चलते हैं, अगर हम कहें इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 3 का 2 गुना 6 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना हो गया 6 प्लस 4 इज्वल टू 10। अब चलो अगले स्टेप में चलते हैं, तो हो जाएगा कितना इंटू 3, तो हो जाएगा 30 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो हम कह सकते हैं इंटू 3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 39 से अगला नंबर बना लीजिए भाई, ये हो जाएगा इंटू 4 प्लस 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, कहने का था इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, भाई नंबर मिल जा रहा है। इस तरह जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या होगा, जो रिप्लेसमेंट जो हम तैयार करेंगे, रॉन्ग स्टेप कौन सा होगा, ये 40 होगा, क्योंकि ये स्टेप एक गलत स्टेप आया हुआ है, इसकी जगह पर आपका 39 आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया गया, क्या तरीके इस्तेमाल किए गए उसमें, कैसे उसको डिजाइन किया गया है। जैसे लिखा जाए 1, 3, 9, 31, 128
एंड 651, ये हमने आपको एक सीरीज दे दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से गलत स्टेप कौन सा है, गलत स्टेप क्या होगा भाई। चलिए भाई यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिफरेंस से भी बात बांध सकते हैं, क्योंकि लेकिन लास्ट का नंबर बहुत बड़ा है तो डिफरेंस ना निकाल करके मल्टीप्लाई करते हैं। हम कह सकते हैं इंटू वन प्लस टू, तो एक का एक गुना एक प्लस दो जोड़ देंगे तो तीन, और हम ये भी कह सकते हैं इंटू टू प्लस वन, दो एकदम दो और एक कितना हो जाएगा। चलिए भाई अगले स्टेप में चलते हैं, अगले स्टेप में क्या करते थे, अब अगर इसको करें इंटू टू प्लस थ्री, लेकिन अगर हम इंटू थ्री करें इस वाले पर जाए, अब भाई इंटू टू प्लस वन तो होना चाहिए था इंटू थ्री प्लस वन, तो इंटू थ्री तो है प्लस वन नहीं, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं वैलिड होगा, ये वाला होगा। लेकिन आज भी आगे चेक कर लीजिए, सीरीज में कम से कम तीन स्टेप जरूर सॉल्व करिए, दो पर बहुत भरोसा मत करिए कि नहीं आगे होगा, वैसे भी रॉन्ग स्टेप है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं पता नहीं कौन सा रॉन्ग है। तो इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री, उसी ऑर्डर में ये होना चाहिए इंटू थ्री प्लस फोर, नाइन का इंटू थ्री 27 प्लस 4 इज इक्वल टू 30, बात सही है। अगला इंटू फोर प्लस 5, तो 31 का इंटू 4 आप ऐसे कर सकते हैं, 30 इंटू 4 तो हो जाएगा 120, 120 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, 124 124 में 5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 129, लिखा है कितना 128, इसका मतलब यही रॉन्ग है। और आगे चेक करके भी देख सकते हैं इंटू 5 प्लस 6, अब इंटू 5 प्लस 6 करेंगे तो नंबर आपको सब। तो कहने का मतलब क्या है, जो रॉन्ग स्टेप यहाँ पर था वो था 128, उसकी जगह पर जो राइट कैलकुलेशन वाले नंबर जो मिलेगा हमको वो हो जाएगा 129। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, क्या तरीके इस्तेमाल किए गए इसमें। जैसे लिखा जाए 4, 10, 22, 46, 96, 190, चलो फिर देखते हैं कैसे बनाया जाए, इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए 4 से 10, देखिए बहुत बड़ा चेंज तो आया नहीं, तो हम प्लस करके एक बार देख सकते हैं, क्यों 4 से चेंज होता है या आगे का नंबर 800 900 के आसपास का होता तो भाई हमारी मजबूरी थी कि हम मल्टीप्लाई नहीं करें। देखिए 4 से 10 बन सकता है, हम कह सकते हैं प्लस का 6 हुआ है, आगे 10 से 22 तो भाई प्लस का 12 हुआ है, आगे 22 से 46 प्लस का 24 हुआ है, तो अगर ये 6 है ये 12 है ये 24, शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा कि 6 से 12 ये होगा इंटू 2, 12 से 24 फिर इंटू 2, मतलब जो कहने का मतलब है जो प्लस हो रहा है वो डबल हो जा रहा है, तो 46 में अब क्या हो जाएगा प्लस 48, अब जरा भाई 48 कर लीजिए इसको, तो ये 40 अगर 46 को आप इसको इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, आपका नंबर भी मिलना चाहिए ये 46, तो ये हो जाएगा भैया 94, लिखा है कितना 96, क्योंकि इसमें आप जोड़ोगे 6 और 6 12 और 2 14 तो हो जाएगा 6 8 14, कहीं जाएगा 1 और ये हो जाएगा 94। अब 94 में आप इसका डबल कर देंगे 48 का तो हो जाएगा प्लस का 96, तो अगर प्लस का 96 जोड़ेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, क्यों 4 और 6 इक्वल टू 10 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 9, इसका मतलब यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेप था हमारा वो कौन सा था 96 था, जो रिप्लेस करेगा किससे 94 से। चलिए बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन या तो एक और करके देखते हैं कि और कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन और कैसे तरीके बनेंगे। देखिए यहाँ पर 1, 3, 9, 31, 128 and 651, हमको बताना है इसमें से कौन सा गलत है कि कैसे इसको बनाया गया होगा, क्या तरीके भाई इस्तेमाल किए जाए। अब देखिए सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, ऐसे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा इंटू टू प्लस वन, ऐसे बना सकते हैं या इंटू वन प्लस टू भी कर सकते हैं। अगला नंबर हम कह सकते हैं इंटू टू प्लस थ्री, अगला नंबर इंटू थ्री प्लस फोर, अगला नंबर इंटू फोर प्लस फाइव, जैसे करोगे इसको ये हो जाएगा कितना 129,
तो कहने का मतलब है चीजों को थोड़ा रिवाइज करते रहिए कि कैसे वो अगले नंबर बनेंगे। तो लॉजिक क्या है जो बताना चाहता था मैं आपसे, मैं लॉजिक को रिवीजन करना चाहते थे कि करना क्या है। अगर जैसे पिछला क्वेश्चन में देखिए प्लस हमने किया है, प्लस का 6, प्लस का 12, प्लस का ये, तो 12 नंबर किया, फिर 24 किया, फिर 48 किया, फिर 96 किया। तो अब देखिए दोनों में अंतर डिफरेंस क्या था। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो उसमें प्लस का चेंज करते हैं, अगर वो तेजी से, जैसा एग्जाम्पल हमने पिछले एग्जाम्पल को ही नोट किया आपके सामने, अगर वो तेजी से बदलाव करता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलिए अगले एग्जाम्पल करते हैं आगे। जैसे लिखा जाए आपका 5, 6, 40, 41, 105, 231 and 446। अब देखिए जैसा मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि अगर बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं होगा तो प्लस होगा। देखिए 5 से शुरू हुआ, 446 तक गया, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मतलब ये प्लस क्वार्टर बन सकता है। जैसे देखिए प्लस करके कैसे बनाएंगे, अब इसका 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1। अब ये प्लस 1 हो सकता है, प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है, प्लस 1 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 होगी। अब 6 से 14 इसका डिफरेंस कितना है भैया, 8 का अंतर है। 8 होता क्या है, 2 का क्यूब होता है। शायद आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कुछ ये हालात रहे होंगे इसके, मतलब इसका मतलब पहले में 1 का क्यूब किया गया, दूसरे में 1 का क्यूब। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, डिफरेंस है 27 का, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। आगे डिफरेंस है 64 का, पहले का 8 क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया। तो आगे डिफरेंस कितना होना चाहिए, होना चाहिए 125 का। अगर ये 125 का तो हो जाएगा 230, क्योंकि 231 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा 126 का। तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब, तो उसी ऑर्डर में बनेगा यहाँ पर 6 का क्यूब जो हो जाएगा 216। ये इसका मतलब यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेप था, जो रॉन्ग नंबर था, वो हमारा पास कौन था, वो हमारे पास था 231, जो 5 के क्यूब को जोड़ने के बाद बन जाएगा आपका कौन सा नंबर, 230। चलिए भाई इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे अगले जो टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, जो अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में से बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, इसमें क्या किया गया, हमने लॉजिक क्या बताया है। सीरीज का जो पहला रॉन्ग स्टेप, सीरीज में आपको ध्यान रखना है, सीरीज का जो पहला स्टेप होता है उसके चांस कम होते हैं गलत होने के, दूसरे चांस हो सकते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें बहुत, और थोड़ा एक शार्प ब्रेन, थोड़ा तेजी से अप्रॉक्सीमेट नंबर तक कैलकुलेट करें। इसी के साथ हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, और भी हमारे वीडियो देखते रहें, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।